हेलो जी, जी मैं मोहित फारूक बात कर रहा हूँ। आपने मेरा फोन नंबर कहाँ से लिया? मुझे फौजिया आंटी ने दिया आपका नंबर। फोन क्यों किया आपने? फौजिया आंटी ने मुझे कांटेक्ट किया था, वो कह रही थी कि आपने कोई सामान कराची भिजवाना है। तो मैं कराची जा रहा हूँ, अगर आपने सामान देना तो दे दीजिए मुझे। उन्होंने मुझसे भी ऐसा कुछ नहीं कहा। ये तो वही बता सकती है ना कि उन्होंने ऐसा कुछ क्यों नहीं कहा। आप उनसे फोन पे रब्ता करके पूछ सकते हैं। फौजिया खाने से क्या ताल्लुक है आपका? फौजिया आंटी और उनके शोहर हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, मेरे अब्बा के बहुत अच्छे दोस्त हैं। बस बस क्या? खाना की आदत है हर एक पर ज्यादा एतमाद कर लेने की। जरा सी जान पहचानो तो हद से गुजर जाती है। बाद में कोई इधर से उधर होगी तो फिर खुद ही परेशान होती फिरेंगी। मैं खाने से खुद बात करती हूँ। हेलो हेलो, मैं वश्मा बात कर रही हूँ। आपने मेरा नंबर कहाँ से लिया? फौजिया खाला ने दिया है। फोन किस लिए किया आपने? वो मैंने फौजिया खाला को फोन किया था, वो मुझे बता रही थी जो वो सामान भिजवाना चाहती हैं कराची। तो मैं वो सामान आपको भिजवा दूंगी, या आप चाहें तो आप खुद आकर ले जाएं। देखिए जी, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है, आप एड्रेस नोट कर लें और सामान भिजवा दीजिए मुझे। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं फौजी खाने से खुद ले लूंगी। जैसी आपकी मर्जी। किस दिन जा रहे हैं आप? जब ये तय होगा मैं आपको बता दूंगा। कोई और बात? आप वश्मा से मेरी बात करवा दें। आप किस सिस्टम में उनसे बात करना चाहते हैं? देखिए, उन्होंने कोई चीज कराची भिजवानी थी, मैं पिछले एक हफ्ते से उनका इंतजार कर रहा हूँ। देखिए, उनसे कह दीजिए अगर उन्हें भिजवाना है तो मुझे आज शाम भिजवा दें, वरना मैं कल चला जाऊंगा कराची। वश्मा बीवी की तबीयत खराब है। तबीयत खराब है? पता नहीं, 4-5 दिन से ऑफिस भी नहीं जा रही है। तो वो डॉक्टर के पास गई थी? नहीं। तो भाई आप उन्हें ले जाते ना। नहीं साहब, वो बहुत नाराज होती है, डांटती है। वो अकेली रहती है? नहीं जी, अकेली तो नहीं, 3-4 और खातून भी उनके साथ रहती हैं जो उनके ऑफिस में काम करते हैं। आप कौन सा बात कर रहे हैं? मैं इस घर में काम करता हूँ इन सब के लिए। देखिए जी, दूसरी खवातीन इस घर में रहती हैं, उनको वश्मा की बीमारी का पता है? हाँ जी, मगर वश्मा भी किसी से बात नहीं करते। अच्छा, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बस ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। क्यों भाई, मेरी मदद की जरूरत नहीं महसूस हो रही? आपको ठीक ठाक लग रहा है? नहीं, वो एक पेशेंट को दिखाना। कौन, किसकी बात कर रहे हैं? मेरी एक दोस्त है। क्या हुआ उसे? ये तो मैं नहीं जानता, ये तो वहां जाके पता चलेगा। इमरजेंसी है? इमरजेंसी से भी तो आया आपके पास? अच्छा, एक मिनट आए मेरे साथ। दरवाजा खोले, वश्मा प्लीज दरवाजा खोलो। सुने, कमरे की दूसरी तरफ कोई खिड़की है? हाँ है। आप जाए प्लीज, देखें खिड़की खुली है तो वहां से आवाज दे, जल्दी जाए। वश्मा, अंदर से आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब है पता नहीं किस कंडीशन में। वश्मा, वश्मा दरवाजे खोले, खिड़की अंदर से बंद है। लॉक तोड़ना पड़ेगा। वश्मा, वश्मा, हेलो वश्मा, मोहित इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अच्छा। डॉक्टर साहब, आप कैसे हो? पहले से बेहतर है। क्या हुआ था उन्हें? कुछ नहीं, बस तेज बुखार। शुक्र है खुदा का। सर डॉक्टर साहब, मैं चलता हूँ, शाम को आऊंगा। ठीक है जी। मोहित, मेरा ख्याल है फैमिली में से किसी को इत्तला कर दें।
मकसद मैं उनकी फैमिली में तो किसी को नहीं जानता, एक खाला उनको बता दूं। नहीं कोई बता दे, बेहतर है कि वो आ जाए। थैंक यू डॉक्टर। नो प्रॉब्लम। ऑफिस वापस। हेलो फौजिया आंटी, मैं मोहित बात कर रहा हूँ। कैसे हो मोहित? मैं ठीक हूँ, आप बताए कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। तुम आ रहे हो कल कराची? नहीं फौजिया आंटी, वो एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ आंटी? वो वशमा बहुत बीमार है। क्या हुआ वशमा को? परसों तो मेरी उससे बात हुई थी, वो बिल्कुल ठीक थी। मगर आंटी इस वक्त वो हॉस्पिटल में एडमिट है। मगर हुआ क्या उसे? नहीं आंटी, वो बहुत ज्यादा बीमार नहीं है। मैंने तो सिर्फ आपको इसलिए फोन किया है कि आप उनकी फैमिली में किसी को बता दें, यहाँ किसी फैमिली मेंबर का होना बहुत जरूरी है। मैं उनकी फैमिली को तो नहीं बता सकती, वो लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। हाँ मैं आ सकती हूँ। हाँ ये बेहतर रहेगा। और तुमने ये तो बताया ही नहीं कि उसको हुआ क्या है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल वो हॉस्पिटल में रहना नहीं चाह रही है और उसका हॉस्पिटल में रहना बहुत जरूरी है। कोशिश कीजिएगा आप जल्दी आ जाए। वो बेवकूफ है, उसका ख्याल रखना। एक दफा मैं वहां पहुंच जाऊं फिर मैं देखती हूँ वो कैसे निकलती है। ठीक है आंटी, वो मैं इंतजार करूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। में आने के बाद सांस आ नहीं रही थी, पांव पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था और मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, जबरदस्ती पकड़कर इंजेक्शन लगाए। ऐसी किसी रिएक्शन की मुझे तवक्को थी इनसे, लेकिन मुझे ये तवक्को नहीं थी। मैं तो इस वक्त ऑफ होती हूँ, इसकी वजह से ठहरी हुई हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब, इसके अलावा और मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं नहीं थैंक यू की जरूरत नहीं, मैं डॉक्टर, मेरा ये प्रोफेशन है। अब ये बताओ कि सुबह होश में आएगी तब क्या करेंगे? मैंने इनकी फैमिली में बता दिया है, इनकी खाला आ जाएंगी, थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ सकता हूँ मैं? ठीक है, अगर आप बैठना चाहते हैं तो। थैंक यू। तुम्हारी आंख खुल गई? हाँ खुल गई, होश आ गया। आपने रात को मुझे इंजेक्शन लगाया था। इसका मतलब है वाकई तुम रिकवर कर रही हो। जो कुछ भी था आपको कोई हक नहीं पहुंचता मेरे साथ इस तरह करने का। क्यों नहीं, मुझे हक पहुंचता है। मैं जो अपने पेशेंट के लिए बेहतर समझती हूँ वही करती हूँ। जो डॉक्टर से सख्त नफरत है। तुम्हें डॉक्टर से नफरत है? जमशेद को भी डॉक्टर से बहुत नफरत थी, सिवाय डॉक्टर आमना के। अब तुम पूछोगी कि जमशेद कौन है? मेरे हस्बैंड है। क्या हुआ भाई?
मैं घर जाना चाहती हूँ, मैं घर जाना चाहती हूँ। बहुत जल्द ठीक होकर घर चली जाओगी। मैं ठीक हूँ और मैं अभी घर जाना चाहती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अभी तुम्हें डिस्चार्ज नहीं कर सकते। मुझे आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है, बस मैं अभी घर जाना चाहती हूँ। बिल्कुल नहीं, अपने घर जाने के लिए सिर्फ ख्वाहिश का होना जरूरी होता है। वैसे अभी तुम्हें बुखार नहीं है। ठीक है, मैं घर जा रही हूँ। क्या करिए, हम निकाल लेते हैं। निकालो सुबिया। जया लेके कौन आया था? मैं लेकर आई थी। आपको किसने बुलवाया था? मोहित ने। तुम जानती हो मोहित को? हाँ जानती हूँ। मोहित बता रहा था कि तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो। अच्छे दोस्त? मैं तो जानती तक नहीं उसे। अभी तो तुमने कहा कि तुम उसे जानती हो। सिर्फ नाम जानती हूँ उसका। वैसे आज तुम्हारी फौजिया खाला आ रही है। खाला? उन्हें किसने बुलाया? मोहित ने। मैंने मोहित को कहा था कि तुम्हारी फैमिली को इत्तला कर दे। मेरी कोई फैमिली नहीं है। फौजिया तुम्हारी खाला नहीं है? पर वो मेरी फैमिली नहीं है। फैमिली क्या होती है बचमा? पता नहीं फैमिली क्या होती है। अभी लंच आ रहा है, चिकन सूप है, उसमें जरूर पीना। अगर जमाल होता तो तुम्हें एक घंटे का लेक्चर देता चिकन सूप के ऊपर और उसके फवायद के ऊपर। कुछ और खा लूंगी लेकिन सूप नहीं पियूंगी। अच्छा मत पीना सूप, मैं कुछ और अरेंज करवा लेती हूँ। अभी आती हूँ। बाज दफा तो तुम हद कर देती हो। खाला काफी हो गया, अब बस करें। क्या बस करूं? तुम्हें नजर नहीं आता कि तुम क्या कर रही हो। जब इंसान बीमार होता है तो डॉक्टर को दिखाता है, खुद को ठीक करने की कोशिश करता है। तुम्हारी तरह खुद को कमरे में बंद करके मारने की कोशिश नहीं करता। मैंने अपने आप को मारने की कोई कोशिश नहीं की। फिर तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं गई? आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे डॉक्टर से सख्त नफरत है। डॉक्टर से नफरत करने का मतलब यह कि इंसान खुद को मार ले। जो काम डॉक्टर्स ने करना होता है इंसान खुद ही क्यों ना कर ले। बस अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अब कलीम भाई को सब कुछ बता दूंगी। बेहतर यह है कि तुम वहां रहो उनके पास, और तुम्हें जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी अब कोई मदद नहीं करूंगी। मैं वापस नहीं जाना चाहती। अगर आप मुझे यहाँ नहीं रहने देंगी तो मैं कहीं और जाके जॉब कर लूंगी। फौजिया खाला, मैं कोई बच्ची नहीं रही हूँ। मैं अपने पाँव पर खड़ी हो सकती हूँ। बस तुमने इतने अरसे में पाँव पर खड़ा होना ही सीखा है, जिंदगी गुजारना भी सीख लो। जिंदगी है ही नहीं तो उसे गुजारना क्या सीखूं? क्या हुआ है जिंदगी को? जिंदगी वही है, तू वही हो, हम सब, तुम्हारी फैमिली। ठीक है, एक तल हादसा हुआ जिंदगी में, तो मेरी जान उसको भूलने की कोशिश करो, इस फेज से निकलने की कोशिश करो। ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती है? मैं इस अस्पताल से जाना चाहती हूँ। मैं तुमसे क्या बात कर रही हूँ और तुम हो कि वही राग ला पे जा रही हो? खाला, आप मेरा और अपना वक्त पर बात कर रही हैं। मुझे घर जाके बहुत काम करने हैं। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम्हें वहां जाकर क्या करना है, मगर तुम कान खोलकर सुन लो कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तुम यहां से हरगिज नहीं जाओगी। सुना तुमने? खाला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप देख तो रही हैं मुझे। मैं देख भी रही हूँ और सुन भी रही हूँ। मुझे तुम्हारे मशवरे से ज्यादा डॉक्टर के मशवरे की जरूरत है। डॉक्टर मेरे बारे में मुझसे बेहतर तो नहीं जान सकता। तुम्हारे बारे में सब तुमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। खाला प्लीज। बस अब इससे ज्यादा मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती।
कैसा महसूस कर रही हैं? तुम समझते हैं क्या अपने आप को? क्यों, क्या हुआ? आखिर तुम साबित क्या करना चाह रहे हो? मैं क्या साबित कर सकता हूं? क्या दिलचस्पी है तुम्हें मेरी जिंदगी से? क्यों मदाखलत करते हो मेरी जिंदगी में? तुम्हें कोई और काम नहीं है? वशमा, मैंने ऐसी कौन सी बुरी बात की है? हर बात, मुझे तुम्हारी हर बात बुरी लगती है। आखिर तुम होते कौन हो डॉक्टर को इस तरह मेरे घर लेकर आने वाले? आपको बहुत जरूरत थी उनकी। तुम कौन होते हो ये तय करने वाले कि मुझे किस चीज की जरूरत है और किस चीज की नहीं? जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए तुम्हें मुझसे मिले हुए, और अब तुम मुझे ये बता रहे हो कि मुझे किस चीज की जरूरत है? आपकी जगह कोई और भी होता तो इसी तरीके से मैं उनकी मदद करता। करो, जरूर करो, मेरी जगह जो कोई भी उसकी मदद करो, मगर मेरी मदद करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अगर मैंने आपकी मदद की तो ऐसी कौन सी काबिल एतराज बात की है? फौजिया खाला को फोन करके तुमने यहां बुलवाया है। आपकी हालत बहुत खराब थी, आपके किसी फैमिली मेंबर को इतला तो देनी जरूरी थी ना? वो मेरी फैमिली नहीं है। आपके किसी और खूनी रिश्ते को मैं यहां नहीं जानता। मेरा उनसे रिश्ता है या नहीं है तुम्हें इससे क्या? मैं किसी को मरता हुआ नहीं देख सकता, आप देख सकती हैं? हाँ, मैं देख सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने आगे किसी को मरता हुआ देख चुकी हूँ, और किसी को मरता हुआ देख के मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। सुन लिया तुमने? वशमा मेरी बात से मेरी क्या कहा मैंने? निकल जाओ यहां से। तुम यहां ना आते तो वशमा का क्या होता? उसने तो तुमको मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उनकी फैमिली नहीं? सब हैं, माँ बाप हैं, भाई भाभी हैं, सब लोग हैं। तो वो सब कहाँ होते हैं? तो पहले तो कराची में रहते थे, फिर नबील जो उसका भाई है उसकी पोस्टिंग लाहौर हो गई, तो फिर सब लोग लाहौर शिफ्ट हो गए। आंटी एक बात पूछो, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? बिल्कुल नहीं, पूछो। आंटी वशमा इतनी चिड़चिड़ी क्यों रहती हैं? छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ा जाती हैं, हर किसी से नाराज रहती हैं, क्यों? तुमसे उसने कुछ कहा तो नहीं? मुझे पहले पता था कि उसने तुमसे कुछ कहा होगा। मैं उसकी तरफ से माफी मांग लेती हूँ, बुरा मत मानना। नहीं आंटी, मैंने ये सवाल इसलिए नहीं किया है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। वो पहले ऐसी नहीं थी, अब वो गई है। बहुत ट्रेजडी हुई है उसकी जिंदगी में। वो बहुत खुश थी अपने शौहर के साथ। शादी को 2 साल गुजरे थे जब उसके शौहर का मर्डर हो गया। उसके छोटे भाई ने वशमा के सामने उसको कत्ल कर दिया। आंटी, उनके देवर का क्या नाम है? सादी, सादी हसन, तुम जानते हो उसको? नहीं नहीं, बस वो पूछा। उसे सजा होगी? नहीं, सजा तो नहीं हुई, क्योंकि वशमा की फैमिली ने उसको मजबूर किया कि उसे माफ कर दे, और जब से उसने ऐसा किया है वो बहुत तल्ख और बदमिजाज हो गई है। अब तो उसको किसी पर भी एतबार नहीं रहा। पहले अच्छी खासी मजहबी लड़की थी, और अब तो वो मजहब से कोसों दूर भागती है। और अगर हम कभी उसे कोशिश करें समझाने की तो टेंपर लूज कर लेती। आपको उसे यहाँ नहीं भिजवाना चाहिए था। ठीक कह रहे हो, मगर ये उसका अपना फैसला था। उसका ख्याल था कि अगर वो उस घर में रहेगी तो उनके भाई भाभी की जिंदगी तल्ख हो जाएगी, और उनमें लड़ाइयाँ होने लगी थी, तो मैंने बेहतर समझा कि इसको इस जगह से दूर भिजवा दूँ। मेरे तवस्सुत से ही उसकी शादी हुई थी, बहुत प्यार करते थे दोनों एक दूसरे। मैं भी बात कहां से कहां ले गई। तुम बताओ कराची कब जा रहे हो? कल मेरे वशमा की वजह से अगर अपना प्रोग्राम कैंसिल ना किया होता तो अब तक तो वापस भी आ चुका होता। कितने दिन हो गए वहां? ज्यादा दिन नहीं, थोड़े दिन तो लगेंगे। वो मैंने आपको बताया था ना कि मैंने घर खरीदा है,
बस उसी सिलसिले के लिए जा रहा हूँ। एक दोस्त को भी कहा गया था रेनोवेशन के लिए, और घर भी देखना है मैंने। मोहित अब तुम भी शादी कर ही डालो। क्यों भाई खामोश क्यों हो गए? मुझसे कौन शादी करेगा? क्यों भाई तुम्हें क्या खराबी है? मेरे गले में 3 साल कैद की तख्ती लटकी हुई है। अच्छा आंटी मैं चलता हूं, खुदा हाफिज़। वैसे हैरत की बात है कि तुम इतने अरसे से यहां पर हो और मेरी और तुम्हारी कभी मुलाकात नहीं हुई। हालांकि जिस एनजीओ के सेंटर में तुम काम करती हो वहां मैं अक्सर आती जाती रहती हूँ, और वहां पर गेट टुगेदर्स में बहुत सारे लोगों से मुलाकात हो जाती है, मगर तुमसे कभी नहीं हुई, ये क्यों? मैं पार्टीज में नहीं जाती। क्यों? आप जाती हैं पार्टीज में? बिल्कुल जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे जाना अच्छा लगता है। और मुझे अच्छा नहीं लगता पार्टीज में जाना। तुम बिल्कुल जमशेद की तरह बातें करती हो। जमशेद को भी पार्टीज में जाना बहुत बुरा लगता था। मेरा झगड़ा इसी बात पर होता था उससे। मैं तुमसे पूछने ही भूल गई, तुम्हारी शादी हो गई? ये खिड़की बंद करा दे, मुझे उलझन हो रही है। हैरत की बात है, तुम्हें खुली खिड़कियों से उलझन होती है? मेरी बेटी को बंद खिड़कियों से उलझन होती थी, यहां तक कि सर्दियों में भी खिड़कियां खुली रखती थी। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तुम्हारी शादी हो गई है? जरूरी है कि मैं आपके हर सवाल का जवाब दूं? नहीं, जरूरी तो नहीं है, लेकिन किसी बात का तो जवाब दे दो। तुम तो मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती। तो आप सवाल क्यों पूछती हैं? मजबूरी है, ये मेरी आदत है, मैं चुप नहीं रह सकती। वैसे भी हमारी जिंदगी में रखा ही क्या है सवालों और जवाबों के अलावा? हमारी सारी जिंदगी गुजर जाती है जवाब बताते बताते। तुमने कभी जिंदगी में ऐसा शख्स देखा है जो सवाल ना पूछता हो? मैं सवाल नहीं पूछती। अरे हैरत की बात है, फिर तुम जिंदा कैसे रह लेती हो? तुम्हें लोगों के बारे में जानने का कोई शौक नहीं है? लोगों के बारे में जान के भी क्या कर लोगी? ये रहा एक सवाल। तुम तो अभी कह रही थी कि मैं सवाल नहीं पूछती, ये सवाल ही तो है। यही मैं तुम्हें बताना चाह रही हूं कि हमारी जिंदगियां जो है वो सवालों और जवाबों के धागों में बंधी हुई है। अच्छा चलो छोड़ो इस बात को, मेरे बारे में क्या ख्याल है, कैसी लगती हूं मैं तुम्हें? मेरी आपके बारे में कोई राय नहीं है। कोई राय नहीं? इसका मतलब है सारे लोग तुम्हें बुरे लगते हैं? मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को बुरा समझती हूँ जो बुरे होते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कुछ लोग हैं जो तुम्हें अच्छे लगते हैं, या वो भी नहीं है? आप मुझे कितना जानती हैं? थोड़ा बहुत। आप साइकोलॉजिस्ट हैं? नहीं। तो फिर बनने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि आप जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानती। ऐसी कौन सी फनी बात कही है मैंने? सॉरी, तुम क्या कह रही थी कि मैं जिंदगी के बारे में नहीं जानती? हाँ, आप जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानती। ये जो डॉक्टर्स होते हैं ना, ये इंतहाई इनसेंसिटिव होते हैं। इनका तमाम वक्त दूसरों के जिस्मों को नश्तर से काटने में गुजर जाता है। अपनी आंखों के आगे ये लोगों को जिंदगी से मौत का सफर तय करवाते हैं, और इन्हें कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। कैसे आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बेहतर। वशमा कैसी है? ठीक है, बेहतर रहते हैं। अच्छा, ये फूल आप क्यों नहीं देते? फूल अब तो इनका मसाला खत्म हो गया होगा।
उन्होंने फूलों पर एतराज तो नहीं किया था? नहीं, पूछ रही थी, मजसामने में थी। निकाह नहीं, कोई और भी तो आपका मदद हो सकते हैं। अच्छा, वो आपने मेरा नाम नहीं बताया, वरना वो खिड़की से बाहर फेंक दी थी फूल। और साथ में जो भी ये फूल दे दीजिएगा उनको। थैंक यू। तुमने मोहित के साथ बदतमीजी की, कितने अफसोस की बात है। बदतमीजी? मैंने उसके साथ बदतमीजी की? उसने भी मेरे साथ बदतमीजी की है। शर्म करो वशमा, मदद करने को बदतमीजी कहते हैं? तो उसको किसने कहा था मेरी मदद करने के लिए? जरा सोचो, अगर वो डॉक्टर आमना को तुम्हारे पास लेकर ना जाता तो तुम्हारा क्या हाल होता? वो अगर डॉक्टर आमना को मेरे पास लेकर ना भी आता ना, तो भी मैं कोई मर नहीं जाती, बहुत ढीठ हूं। वैसे भी उसने किया क्या है मेरे लिए? लोगों का एहसान मानना सीखो वशमा। एहसान? लोगों ने मुझ पर कौन से बड़े एहसान कर दिए? और आप जिसका हवाला दे रही है वो कौन सा बड़े मेरे लिए चांद तारे तोड़ के ले आया है? उसने आपसे कुछ कहा है मेरे बारे में? वो कह रहा था अपनी भांजी को तमीज से बात करना सिखाएं। उसने ऐसा कहा? मेरा नहीं ख्याल। नहीं, उसने कुछ और कहा था, वैसे उसके दिल में यही था। आप लोगों के दिल तक ना पहुंचा करें, दिल को छोड़े। अगली दफा वो आए तो सही, फिर मैं उसे बताऊंगी कि बदतमीजी क्या होती है। अगली दफा वो आएगा तब ना। चुपचाप बैठी रहो, बहुत हो गया। और याद रखना वशमा, ये आखिरी चांस है। अगर इस बार तुमने लापरवाही की तो मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगी और कलीम भाई के हवाले कर दूंगी, और फिर तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। मगर फिलहाल आप बाबा को अभी कुछ नहीं बताएंगे। सिर्फ फिलहाल, और इसका फैसला तुम्हें करना होगा कि इस फिलहाल का दौरानिया कितना लंबा है, और डॉक्टर आमना के पास पाबंदी से चेकअप के लिए जाना होगा तुम्हें। मुझे वो औरत बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। तुम्हें कोई अच्छा भी लगता है? कोई का तो मुझे पता नहीं, मगर ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। क्या गलती हो गई उससे? हर वक्त बातें करती रहती है, जमशेद को ये पसंद है, जमशेद को वो पसंद है, जमान होता तो ये करता, जमान होता तो वो करता, इमन होती तो ये हो जाता। शेटा वशमा, वो अपने शोहर और बच्चों की बात करती है तो तुम्हें क्यों बुरा लगता है? मगर हद होती है एक बात की, हर वक्त एक ही बात, एक ही चीज का जिक्र। दुनिया में उसके उसके शोहर और उसके बच्चों के अलावा कोई नहीं। उसे दूसरों को भी सुनने की आदत डालनी चाहिए। मसलन किसको? किसी को भी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, मजा रही जो तुम किसी के भी शुक्रगुजार हो। इसमें शुक्रगुजारी वाली कौन सी बात है? वो डॉक्टर है, उसका एक काम है और बस। किस कदर फर्क आ गया है तुम में और तुम्हारी सोच में। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी बदल जाओगी। सामान पैक हो गया आपका? तो क्या दफा हो जाए? मैंने ऐसे तो नहीं कहा। दिल में ऐसे कहा होगा। मैं तो आपकी सिर्फ मदद करने के लिए कह रही थी। ओफो, बड़ी जल्दी ख्याल आ गया आपको मेरी मदद का। अब सब काम हो गया, अब आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। आप जाइए, आराम कीजिए। मुझे फौजा नहीं मिल रहा है। कौन? मोहित, आने दो। कैसे हो? ठीक, बस तुम बताओ कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप जा रही? हाँ, कल सुबह निकल रही, इसीलिए तो बुलवाया तुम्हें कि जाने से पहले कम से कम चाय तो पिलवा दूं। आप चाय बना देंगी? प्लीज। और वो उस चाय के लिए मैंने सामान मंगवाया था, वो भी सर्व कर देना। वो कराची से आने के बाद क्या मसरूफियात हैं? क्या हो सकता है,
जो कर रहा था वही कर रहा। घर की रेनोवेशन हो गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह वो तो हो गई। लॉक करके आए हो? क्या कर सकता हूँ, अलबत्त दोस्त को कह दिया है वो चक्कर लगाता रहेगा। और कंपनी का काम कितने दिन का रह गया है? यही कोई दो तीन माह का। खुशखबरी बताना तो भूल ही गया, वो कंपनी ने मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया है। वेरी गुड, ये तो मिठाई वाली खबर है। ये खाने वाली? ये तो आप तय कर लीजिए, खिलाने को मैं तैयार हूँ। खाना ठीक रहेगा। ये बताओ यहाँ खिलाओगे या कराची? ये भी आप तय कर लीजिए। और वो वशमत मेरी तारीफ कर रही थी और शुक्रिया अदा कर रही थी कि तुमने उसकी बहुत मदद की। मैं? हाँ वो तो। किस चीज के लिए? कह रही थी कि तुमने इसकी बहुत मदद की। फौजिया खाना, मैंने ऐसा कब कहा? अगर नहीं कहा तो तुम्हें कहना चाहिए। कैसे मुझे पता चला? दरवाजे का लॉक तोड़ दिया। तो रिपेयर भी तो करवा दिया है। बेजा मदाखलत की है। कोई मदाखलत नहीं की, मैंने कहा था उससे कि तुम्हारे पास आता जाता है। अगर ऐसी बात है तो आप इनका शुक्रिया अदा करें, मुझे मत कहें। ठीक है मोहन, वशमा मुझसे कह रही है मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। किसी को जरूरत नहीं है। अजीब लड़की हो तुम, चाय तक नहीं पीने दी उसको। हेलो। हेलो भाई, मैं यहाँ से गुजर रही थी, सोचा तुमसे मिलती जाऊँ। आई तुम्हारी खाला तो कह रही थी कि तुम चेकअप के लिए आती रहोगी, और अब तुम उसके बाद कभी आई नहीं। खाला को तो आदत है खामखा हिदायत और नसीहतें करने की। खैर आप चाय लेंगी या कॉफी? जो भी तुम अच्छा बनाती हो। मैं तो कुछ भी अच्छा नहीं बनाती, हर चीज बुरी बनाती। चलो वही बुला दो जो सबसे बुरा बनाती। अच्छा। तुम बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती हो, मगर ये सॉलिड कलर्स इतने डार्क क्यों हैं? जैसी जिंदगी होती है जैसी चीजें होती हैं, बस मैं वैसे ही पेंट कर देती हूँ। नहीं, तुम जैसे चीजों को देखती हो वैसे ही पेंट करती हो। मेरी बेटी भी बहुत अच्छा पेंट करती थी, तुम देखती तो हैरान रह जाती। इतने ब्राइट कलर्स इस्तेमाल करती थी, इतने प्यारे। इस खिड़की से पहाड़ कितने खूबसूरत लगते होंगे, खासतौर पे सुबह के वक्त, रात होने से पहले, बारिश में बर्फ गिरते हुए। मुझे नहीं पता इस खिड़की से क्या नजर आता है और क्या बदसूरत लगता है और क्या खूबसूरत। और दरख्त,
मैंने कभी इस खिड़की से कुछ नहीं देखा। बादल, सब्जा, सूरज, मैंने कभी कुछ नहीं देखा यहां से। हैरानगी की बात है, फिर ये खिड़की खुली क्यों रखती हो? क्योंकि अगर ये खिड़की बंद कर दूं तो मेरा दम घुटने लगता है। मैं हमेशा ये खिड़की खुली रखती हूँ। अच्छा, मगर उस दिन हॉस्पिटल में तो तुमने खिड़की बंद करवा दी थी, या मेरी बात बदल दी थी? जब आप जानती हैं तो पूछ क्यों रही हैं? तुम्हारी फौजिया खाला ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था। और आप मुझसे हमदर्दी जताने आई हैं? नहीं। फिर मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने आई होंगी? मैं क्यों नमक छिड़कूंगी तुम्हारे जख्मों पर? क्योंकि आपको आदत है। मुझे आदत है? हाँ, आपको आदत है। जब आपको पता है मेरे बारे में, आप सब कुछ जानती है मेरे बारे में, तो क्यों बार बार जिक्र करती है अपने शौहर का और अपने बच्चों का? क्या जताना चाहती है आप मुझे? यही कि आपके पास वो सब कुछ है जो मेरे पास नहीं है? वशमा, तुम अगर ये समझती हो कि इतनी तल्ख मानकर तुम अच्छी जिंदगी गुजार सकती हो तो ये तुम्हारी भूल है। मेरे लिए जिंदगी कोई मानी नहीं रखती, बस मैं गुजार रही हूँ जिंदगी और बस। यही तो जानना चाहती हूँ कि क्यों माने नहीं रखती। आपके पास सब कुछ है, इसलिए आपके लिए नसीहत करना बहुत आसान है। कॉफी पीने ठंडी हो। मेरे पास भी कुछ नहीं है। कुछ साल पहले एक हादसे में मेरे शोहर और दोनों बच्चे मर चुके हैं।